हेलो दोस्तों, मैं युग एक बार फिर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में बहुत स्वागत करता हूं एंड आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सैंड ब्लास्टिंग क्या होती है, सैंड ब्लास्टिंग कैसे की जाती है, सैंड ब्लास्टिंग के टाइप्स और साथ ही सैंड ब्लास्टिंग में यूज़ होने वाले कॉम्पोनेंट्स एंड सारी PPE मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट के बारे में भी डिटेल से बताऊंगा और सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा वन बाय वन। सो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सैंड ब्लास्टिंग प्रोसेस में छोटे छोटे एब्रेसिव पार्टिकल्स को हाई प्रेशर के साथ स्टीम या कंप्रेस्ड एयर के द्वारा वर्क पीस के सरफेस में फोर्सली स्ट्राइक किया जाता है, जिससे वर्क पीस या सरफेस पर लगे जंग, पेंट एंड डस्ट को क्लीन, रफ एंड शार्प करने की प्रोसेस की जाती है। इसके साथ ही मेटल सरफेस के स्क्रैच और कास्टिंग मटेरियल के निशान को हटाने के लिए भी सैंड ब्लास्टिंग का यूज़ किया जाता है। ब्लास्टिंग मटेरियल के एब्रेसिव को वर्क पीस के सरफेस एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चूज़ किया जाता है, जो कि कॉपर स्लैग, प्लास्टिक मीडिया, अल्मूनियम शॉट, कास्ट स्टील ग्रिट एंड मैनी मोर। सैंड ब्लास्टिंग को एब्रेसिव ब्लास्टिंग भी बोला जाता है। एब्रेसिव ब्लास्टिंग कई टाइप के होते हैं, लाइक वेट एब्रेसिव ब्लास्टिंग, वीड एब्रेसिव ब्लास्टिंग, व्हील ब्लास्टिंग, हाइड्रो ब्लास्टिंग, माइक्रो एब्रेसिव ब्लास्टिंग, ड्राई आइस ब्लास्टिंग, ब्रिस्टल ब्लास्टिंग, स्लरी ब्लास्टिंग एंड वैक्यूम ब्लास्टिंग। सैंड ब्लास्टिंग स्टार्ट करने से पहले एयर कंप्रेसर से सैंड ब्लास्टिंग टैंक को कनेक्ट किया जाता है थ्रू एयर होस। उसके बाद हाई कंप्रेस्ड एयर टैंक में इन होती है और ग्रिट के साथ मिक्स हो जाती है। आफ्टर मिक्सिंग, ब्लास्टिंग नोजल के लीवर को प्रेस करने के बाद ग्रिट ब्लास्टिंग टैंक के बॉटम से हाई प्रेशर एंड वेलोसिटी के साथ डिस्चार्ज होता है थ्रू ब्लास्टिंग होस, जो कि ब्लास्टिंग होस के एंड में कनेक्ट किया जाता है। ब्लास्टिंग नोजल कई साइजेज में अवेलेबल होते हैं, लाइक 1x8 inches, 3x16 inches, 1/4 inches, 5x16 inches, 3x8 inches, 7x16 inches, 1/2 inches, 5x8 inches, 3x4 inches। नोजल की साइज जितनी बड़ी होगी वो उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया को कवर करेगा ब्लास्टिंग के दरमियान। साथ ही नोजल के दो टाइप होते हैं, पहला स्ट्रेट टाइप नोजल एंड सेकंड इज बेंट टाइप ब्लास्टिंग नोजल। सैंड ब्लास्टिंग स्टार्ट करने से पहले एयर कंप्रेसर के दूसरे पॉइंट से एक होस को एयर फिल्टर के साथ कनेक्ट किया जाता है, जो कि फ्रेश एयर को फिल्टर करने के बाद सैंड ब्लास्टर के ब्लास्टर हुड या एयर कंडीशनर हेलमेट में फ्रेश ऑक्सीजन की सप्लाई देता है, जिससे सैंड ब्लास्टर को ब्रीदिंग में कोई मुश्किल ना हो। सैंड ब्लास्टिंग टैंक के टॉप में एक सीव होती है, बिकॉज ग्रिट रीयूजेबल होता है, तो कई दफ़ा ब्लास्टिंग की हुई ग्रिट को अगर हम दोबारा यूज़ करते हैं तो ग्रिट को कलेक्ट करने के दरमियान कुछ दूसरे अनवांटेड चीज़ें भी ग्रिट के साथ ऐड हो जाती हैं, जिनको कि टॉप में लगी सीव से फिल्टर कर लिया जाता है। ग्रिट टाइप सैंड ब्लास्टिंग में कॉपर स्लैग को ब्लास्टिंग के लिए एज एब्रेसिव यूज़ किया जाता है, जिसकी ग्रिट साइज 0.8 mm से लेकर के 2 mm तक के बीच में हो सकती है। सैंड ब्लास्टिंग करते वक्त हमें कई तरह के प्रोटेक्शन का ख्याल रखना पड़ता है, जिनके लिए हमें प्रॉपर PPE मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करना होता है, जिसमें गम बूट, कवर ऑल, लेदर हैंड ग्लव्स, एयर प्लग, फेस शील्ड, ब्लास्टर हुड जिसको एयर कंडीशनर हेलमेट भी बोला जाता है एंड ब्लास्ट सूट। सैंड ब्लास्टिंग के लिए एयर प्रेशर को 7 bar या 102 PSI कॉमनली यूज़ किया जाता है। प्रेशर को भी जॉब के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा सेट किया जा सकता है। सैंड ब्लास्टिंग करने के दरमियान जॉब से हमेशा 45 डिग्री पर नोज़ल को रख के सैंड ब्लास्टिंग करनी चाहिए, जबकि सैंड ब्लास्टिंग करते समय नोज़ल को जॉब या वर्क पीस की सरफेस से 300 से लेकर के 400 mm तक के गैप में होना चाहिए। जैसा कि आप क्लियरली देख रहे होंगे सैंड ब्लास्टिंग के पहले और बाद के डिफरेंसेस को, और आप इजीली देख सकते हैं आफ्टर सैंड ब्लास्टिंग बीम के पुराने पेंट, रस्ट एंड डस्ट कितने इजीली एंड अच्छे से रिमूव हो चुके हैं। दोस्तों, आई होप आप लोगों को इस वीडियो से सैंड ब्लास्टिंग के बारे में कई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें,
ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।